यहाँ आपकी दोस्त चूनी चिड़िया आ गई एक नई कहानी लेकर। चुड़ैल का कुत्ता। माँ जल्दी चलो, वो सारे पक्षी हमारे पीछे ही हैं, हमें उनके हाथ नहीं लगना है। चिड़िया अब मुझसे उड़ा नहीं जाता, मैं कहीं झाड़ियों में छुप जाती हूँ। तुम सारे पैसे और जेवर लेकर यहाँ से भागो। अच्छा माँ ठीक है। रानी चिड़िया वही झाड़ियों में जाकर छुप जाती है। अब दोनों चिड़िया सारा जेवर लेकर तेजी से उड़े जा रही थी। उसके पीछे जंगल के कई सारे राक्षस पक्षी पड़े हुए थे, जो बड़ी तेजी से टूनी चिड़िया के पीछे उड़ते हुए आ रही थी। तभी टूनी चिड़िया का सारा जेवर जमीन पर गिर जाता है। उसे उठाने के लिए टूनी चिड़िया नीचे जमीन पर आती है। तभी वो सारे राक्षस पक्षी टूनी चिड़िया को पकड़ लेते हैं। अब कहाँ भाग कर जाओगे चिड़िया? साथियों इस चिड़िया से सारे जेवर छीन लो। नहीं नहीं, ये मेरे पिताजी के जेवर है, इसे मत लो पक्षियों, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती। अरे देख क्या रहे हो, छीन लो इस चिड़िया से सारे जेवर। हरा तोता टूनी चिड़िया से सारा जेवर ले लेता है और सब पक्षी वहाँ से जाने लगते हैं। अरे साथियों इस चिड़िया को ऐसे जीवित छोड़ना ठीक नहीं है, हमें इसे यही जान से मारना होगा, वरना ये जंगल के सारे पक्षियों को हमारे बारे में बता देगी। तुम सही कहती हो कोयल बहन, इस चिड़िया को हमें यही जान से मारना होगा। सारे पक्षी टूनी चिड़िया को मारने लगते हैं, पर लकड़ियों के हथियार से वार करते हैं। टूनी चिड़िया दर्द के मारे चिल्लाने लगती है, उसके शरीर पर गहरे घाव लग जाते हैं, उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है। तभी एक आगे का छोटा सा बच्चा ये सब देखकर टूनी चिड़िया को बचाने वहाँ आता है, पर वो राक्षस पक्षी टूनी चिड़िया के साथ साथ कुत्ते के बच्चे को भी वही जान से मार देते हैं और वहाँ से सारा जेवर लेकर चले जाते हैं। इधर रानी चिड़िया अपने घोंसले में आ जाती है और अपनी बिटिया टूनी चिड़िया के आने की राह देखती है। तभी वो टूनी चिड़िया एक भयानक चुड़ैल बन जाती है और वो कुत्ता भी एक भयानक भूतिया कुत्ता बन जाता है। उन पक्षियों की इतनी हिम्मत, क्यों उन्होंने हमें मारा? आप चिंता न करिए चिड़िया बहन, हम दोनों मिलकर उन पक्षियों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जंगल का कोई भी पक्षी दोबारा ऐसी गलती करने की सोचेगा भी नहीं। मेरी माँ का क्या हाल हो रहा होगा, वो तो मेरी आने की राह देख रही होगी। मेरी माँ को तो ये भी नहीं पता है कि मेरी मृत्यु हो गई है। कुत्ते भाई वो सामान मेरे दादाजी का था, मेरे पिताजी ने कई वर्षों तक उस सामान की रक्षा की, वो सामान मेरे दादाजी का था, इसलिए हम सब उस सामान की इतनी रक्षा करते आ रहे हैं। चिड़िया बहन, उस सामान की आप सब इतनी रक्षा क्यों कर रहे हो? कुत्ते भाई वो सामान इस जंगल के पक्षियों के लिए बहुत अहमियत रखता है, अगर इसमें से एक भी पैसा या एक भी जेवर खर्च हो गया तो इस जंगल के सारे पक्षियों की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए हम सारे परिवार वालों ने इस सामान की अब तक इतनी रक्षा की है। कुत्ते भाई वो सामान कहीं बिकना नहीं चाहिए। अगर ऐसी बात है चिड़िया बहन, तो उन राक्षस पक्षियों का खात्मा करना ही होगा। चलिए आपकी इस लड़ाई में मैं भी आपके साथ हूँ, सबसे पहले हम उस कोयल को सबक सिखाते हैं। रात का समय चुड़ैल और उसके साथी कुत्ता दोनों मिलकर उस मंजी कोयल के घोंसले में जाते हैं, जहाँ मंजी कोयल आराम से सोई हुई थी। मुझे मार कर यहाँ आराम से सो रहे हैं ये कोयल। चिड़िया बहन, इस कोयल को मैं यही मार कर खा लेता हूँ। पहले इस कोयल से ये पता लगाना होगा कि वो सारा जेवर इन पक्षियों ने रखा कहाँ है। ए कोयल उठ। मंजी कोयल घबरा कर नींद से जाग जाती है। वो जैसे ही उसके कुत्ते और चुड़ैल टूनी चिड़िया को देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। चुड़ैल मुझे मार कर यहाँ चैन की नींद दे रही हो कोयल? क्या तुम टूनी चिड़िया हो? हाँ मैं वही टूनी चिड़िया हूँ जिसे तुमने अपने साथियों के साथ मिलकर जान से मार दिया था। अब बता कोयल मेरा वो सामान कहाँ है, वरना मैं तुझे यही मार कर तेरा खून पी जाऊंगी। सामान तो मेरे पास थोड़ा सा ही है, हम सारे पक्षी ने उस सामान को थोड़े थोड़े बांट दिया था, इसलिए मेरे पास बस इतना ही सामान है, ले लीजिए। तुम पक्षियों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं तुम में से एक को भी जीवित नहीं रहने दूंगी। कुत्ते भाई इस कोयल के शरीर का खून पीकर इसके शरीर पर ऐसे घाव देना कि जब इस जंगल के पक्षी इस कोयल के घाव देखे तो उनकी रूह तक कांप उठे। नहीं नहीं चुड़ैल बहन, मुझे क्षमा कर दो, मुझे मत मारो। तुझे क्या, तेरे हर साथी को मरना होगा कोयल।
किया तो तब मंजी कोयल को इतनी बेरहमी से मार देता है कि मंजी कोयल का शरीर पहचान भी नहीं आ रहा था। ये पक्षी है या कोई जानवर? चिड़िया बहन, अभी तो हमारे पास थोड़ा ही सामान आया है, अब बाकी का सामान हमें ढूंढना होगा। कुत्ते भाई, सवेरे जब जंगल के सारे पक्षी कोयल की हालत देखेंगे तो सबके मन में एक डर पैदा हो जाएगा, और यही मैं चाहती हूँ। चुड़ैल जुड़ी चिड़िया और भूतिया कुत्ता दोनों मिलकर अपनी एक गुफा में चले जाते हैं। अगले दिन सवेरे जब जंगल के सारे पक्षियों को मंजी कोयल के बारे में पता चलता है तो सब उसकी ये हालत देख कर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे, ये कोयल बहन को किसने इतनी बेरहमी से मारा है? ये हमारे जंगल में क्या हो रहा है? ये कोयल बहन की इतनी बेरहमी से हत्या किसने की? सारे पक्षी मंजी कोयल की मौत का बहुत अफसोस जताते हैं और सब थोड़े समय बाद वहाँ से चले जाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। इधर कालू कौवा अपने घोंसले में टूनी चिड़िया के उसी सामान को लेकर बैठा हुआ था। अरे वाह, ये जेवर तो बड़े कीमती लगते हैं। कल सवेरे ही मैं इन सारे जेवरों को पास वाले जंगल में बेच आऊंगा और फिर इन पैसों से अपना जीवन आराम से बिताऊंगा। कालू कौवा अपने घोंसले में बैठकर बहुत खुश हो रहा था, तभी उसे कुत्ते की रोने की आवाज आती है। कुत्ता इस कुत्ते के अफसर में कालू कौवे के घोंसले के पास में रो रहा था। अरे, ये कौन कुत्ता है जो मेरे घोंसले के पास ही रो रहा है? कालू कौवा अपने घोंसले से उड़ती हुई बाहर आता है और उस कुत्ते को देखकर बोलता है, ए कुत्ते, चल भाग यहाँ से, मेरे घोंसले के पास क्यों रो रहा है? मुझे तुम्हारे ऊपर रोना आ रहा है कौवे। तूने जो उस बेचारी टूनी चिड़िया और उस कुत्ते को जान से मारा था ना, वो अब दोनों तुझे नहीं छोड़ेंगे, वो दोनों अब भूत बन गए हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता? तभी वो भूतिया कुत्ता अपने असली भूतिया अवतार में आ जाते हैं, जिसे देखकर कालू कौवे के होश उड़ जाते हैं। क्योंकि वो कुत्ता मैं हूँ, कालू कौवे, जिसे तूने और तेरे साथियों ने मिलकर जान से मार दिया था। तभी चुड़ैल टूनी चिड़िया उन सारे पक्षियों को पकड़ कर लाती है जिन्होंने कालू कौवे के साथ मिलकर टूनी चिड़िया और उस कुत्ते को जान से मारा था। ये देखकर कालू कौवा और सारे पक्षी दंग रह जाते हैं। इन पक्षियों की आवाज़ सुनकर सारे जंगल के पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं और सब उस चुड़ैल टूनी चिड़िया को देखते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं। कुत्ते भाई, इन सारे राक्षस पक्षियों में से एक भी पक्षी को जीवित नहीं रहने देना, सबको जान से मार दो। भूतिया कुत्ता कालू कौवे और उसके सारे साथी पक्षियों को बुरी तरह से मारने लगता है। अरे, ये सब क्या हो रहा है? ये चुड़ैल कौन है? तभी चुड़ैल टूनी चिड़िया अपने असली चिड़िया के अवतार में आ जाती है, जिसे देख कर सारे पक्षी दंग रह जाते हैं। टूनी चिड़िया जंगल के सारे पक्षियों को कालू कौवे और उसके साथी पक्षियों की सारी बात विस्तार से बताती है और अपनी और उस कुत्ते की मौत के बारे में बताती है। ये सब सुनने के बाद जंगल के सारे पक्षियों का खून खौलने लगता है। चिड़िया बहन, इन राक्षस पक्षियों को इस जंगल में क्या, इस संसार में भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जीवन में कभी कोई पक्षी ऐसी हरकत करने के बारे में सोचे भी नहीं। भूतिया कुत्ता और चुड़ैल टूनी चिड़िया अपने उन हत्यारे पक्षियों को जान से मारकर उनका खून पी जाते हैं और उसके बाद दोनों का बदला पूरा हो जाता है और चुड़ैल चिड़िया वो सारा सामान लेकर अपने साथ चली जाती है।